आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो द क्वेश्चन इज द बीओडी वैल्यू ऑफ क्लीन वाटर इज, तो हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, 11 ppm, 21 ppm, 3 ppm या 18 ppm। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बीओडी क्या होता है। सो बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और इसका मतलब क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? लेट सपोज जो भी हमारे वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जो भी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वही उसकी क्या होती है बीओडी वैल्यू। ठीक है, तो जो भी वाटर हमारा जितना ज्यादा इम्प्योर होगा तो उसको उतना ही ज्यादा कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। मतलब इम्प्योरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू, और हम बोल सकते हैं कि जो प्योरिटी है ऑफ वाटर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीओडी वैल्यू। तो जितनी कम हमारी बीओडी की वैल्यू उतना ही वो वाटर क्या होता है हमारा सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेज दैट जो हमारी बीओडी की वैल्यू होनी चाहिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वाटर, इट इज लेस देन 5 ppm। तो अगर ऑप्शन में देखें लेस देन 5, तो हमें किस पार्ट में गिवन है, पार्ट थर्ड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 ppm। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।